जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ वर्षा दुबे। वेलकम टू यू ऑल इन योर सोशल साइंस क्लास। स्टूडेंट, वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर 3 ऑफ सिविक्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। एंड इन द लास्ट वीडियो आई हैव टॉट यू दैट व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ साउथ अफ्रीका। हमने लास्ट वीडियो में ये आपको पढ़ाया भी था कि साउथ अफ्रीका की कंडीशन क्या है, क्या लेवल है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का, क्या लेवल था, what was the label of discrimination done by the apartheid. We knew that how did the people wanted to get rid of the situation. वहाँ के लोग किस कदर उब चुके थे वहाँ की discrimination वाली policy से, और वो जल्दी से जल्दी इससे free होना चाहते थे, इसको solve करना चाहते थे. The ANC, it means African National Congress, launched so many protests against the system. But all were in vain. They failed. बहुत सारे एक्शन लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, बहुत सारा डेमोन्स्ट्रेशन किया, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, लेकिन सब के सब फेल रहे. Now we'll see today that how did the non-whites present their demands. They protest against the white regime. आज इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से नॉन वाइट लोगों ने अपने प्रोटेस्ट जारी रखा और वाइट रजीमे के सामने स्ट्रांग होकर के अपनी डिमांड को रखा. सो मूविंग फॉरवर्ड, प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थाइड, वाइट रजीमे चेंज्ड इट्स पॉलिसीज. एक्चुअली द नॉन वाइट स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अपार्थाइड, और वी कैन से वाइट रजीमे. दे रेज्ड देयर वॉइस एंड अपोज्ड देम. ब्लैक पीपल जो थे उन्होंने क्या किया, वाइट रेजिमी के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की, उनकी पॉलिसीज़ का आपको अपोज करना शुरू किया. दिस लीड्स टू चेंज द पॉलिसी ऑफ वाइट रेजिमी. एज सुन एज द इंटेंसिटी ऑफ द डिमांड ऑफ नॉन वाइट्स बिकम हाई, द वाइट रेजिमी वॉज कॉम्पल्ड टू चेंज देयर पॉलिसी. जाहिर सी बात है, देखिए ये एक बड़ी ही जनरल सी बात होती है, जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगते हैं और कंटिन्यू देते ही रहते हैं तो कितने दिन आपकी बात को वो अवॉइड करेंगे या टालेंगे. ठीक है, कभी ना कभी वो प्रेशर काम करता है. तो इट्स सेम विद वाइट रेजिमी, दे चेंज देयर पॉलिसी एंड द फॉलोइंग चेंजेस हैड बीन अकर्ड. बहुत सारे चेंजेस आए. ठीक है, क्या चेंजेस आए यहाँ पे आप देख रहे हो. द फर्स्ट वन, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वेर रिपीटेड, यानी जो भेदभाव वाले जो कानून थे, जो नियम थे, वो उसको और सख्त तो कर रहे थे, लेकिन साथ में अब वो एक बार सोचने को मजबूर हुए कि ये कहाँ तक जेन्युइन है. ठीक है, द नेक्स्ट, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज वेर रिमूव्ड, यानी जितने भी अब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बैन लगे थे कि आप पार्टियां नहीं बना सकते, एक जगह यूनाइट नहीं हो सकते, कोई मीटिंग नहीं कर सकते, उन सब पर बैन लग गया. एंड द लास्ट, द नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ जेल, यानी नेल्सन मंडेला जिनको जेल में उठाकर डाल दिया गया था, अब वो वापस जेल से बाहर आ चुके थे. ठीक है, ये प्रेशर की तरह काम किया था वाइट रेजिमी पे. ही वॉज रिलीज्ड आउट ऑफ जेल एंड द अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट पेस वॉज सो फास्ट, और इस तरीके से अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट जो था उसकी स्पीड, उसकी गति और तेज हो गई. एंड येस, लुक एट दिस सर्कल्ड बॉक्स. 26 अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका गॉट फ्री फ्रॉम अपार्थाइड सिस्टम. फाइनली ऑन 26 अप्रैल 1994 द अपार्थाइड सिस्टम हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका. And Nelson Mandela appointed as the first president of South Africa. पहले president के रूप में उनको Nelson Mandela को वहाँ appoint किया गया. Now next, formation of multi-racial government. यानी after being the president, Mandela declared the multi-racial government, which allowed the different races to be the part of the government. यानी जब Mandela president इलेक्ट हुए, बन करके आए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट में मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाने की बात की और हर एक डिफरेंट रेस को उसमें शामिल किया, किसी पर कोई बैन नहीं लगाया. ठीक है, आफ्टर मैथ
आफ्टर मैथ क्या हुआ उसकी चर्चा करते हैं। हाउएवर फॉर्मली द अपार्थाइड सिस्टम हैड बीन रिमूव्ड बट स्टिल देयर वेर सेवरल चैलेंजेस सो नाउ देयर इज द नीड टू गिव द न्यू डायरेक्शन टू द मूवमेंट। बहुत सारे बैन जो थे वो अपार्थाइड सिस्टम और ये सब जो भी चीज़ें थी वो हटाई गई, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे चैलेंजेस थे जिन्हें ओवरकम किया जाना था और किया भी गया। ठीक है, इस मोमेंट को एक नई दिशा मिली। क्या हुआ, वन बाय वन लुक हियर ब्लैक लीडर्स डिसाइडेड टू फॉरगिव द वाइट्स। एक नई शुरुआत हुई। जितने भी ब्लैक लीडर्स थे जो नेता थे उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू फॉरगिव द वाइट्स। उन्होंने बदला लेने की नहीं सोची। नाउ द पावर वॉज इन द हैंड्स ऑफ ब्लैक्स और वी कैन से द मेजोरिटी इन द पॉपुलेशन। मेजोरिटी किसकी थी, पॉपुलेशन में ब्लैक्स की थी, और अब वो पावर किसके हाथ में आ गया, माइनॉरिटी यानी वाइट्स के हाथ से निकल करके मेजोरिटी यानी कि ब्लैक पीपल्स के हाथ में। ठीक है, एंड दे डिसाइडेड टू फॉरगिव द वाइट्स और ब्लैक पीपल ने किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना लेने की बात की, ना करने की बात की, और उन्होंने वाइट पीपल को फॉरगिव यानी क्षमा करने की बात की। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज ब्लैक एंड वाइट सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ब्लैक और वाइट दोनों ही लोग मिलकर के डिसाइड उन्होंने किया कि वो दो साथ में मिलकर के अपने देश के लिए एक नया संविधान बनाएंगे। ठीक है, इसमें सबकी एंट्री होगी, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द ब्लैक लीडर डिसाइडेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन टुगेदर विद द वाइट्स एंड एक्चुअली वी कैन से दैट दे वेयर द ट्रू फॉलोअर ऑफ गांधी जी। गांधी जी के सच्चे फॉलोअर भी थे। आफ्टर टू ईयर्स ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज सच ए लॉन्ग प्रोसेस लाइक इंडिया। भारत की तरह साउथ अफ्रीका का भी संविधान बनने में ऑलमोस्ट टाइम लगा 2 ईयर्स का। ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ साउथ अफ्रीका केम अप फाइनली विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दुनिया के कुछ बेहतरीन संविधानों में से एक साउथ अफ्रीका का भी संविधान है जो इतने लंबे समय के बाद आया तो सही, लेकिन इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव, कोई अशांति की बात नहीं की गई और सबको साथ लेकर के चलने की बात की। ठीक है, एंड यस हियर आई वांट टू रिमाइंड यू दैट इन योर बुक यू विल फाइंड सेवरल लेटर्स और स्टेटमेंट्स गिवन बाय द प्रेसिडेंट मंडेला। बट व्हाट विल यू डू, यू विल रीड दैट स्टेटमेंट, यू विल रीड दैट लेटर्स। सो एट लास्ट वी कैन कंक्लूड आवर चैप्टर, वी कैन कंक्लूड टुडेज लेक्चर। क्या देखा हमने, विल फाइंड दैट हाउ वॉज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अबॉलिश्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, किस तरीके से वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुई, एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन फ्रेम्ड विच अकोमोडेट द डिफरेंसेज एंड डाइवर्सिटीज ऑफ द कंट्री। एक नया ऐसा संविधान बना जिसने सबने मिल करके एक साथ बनाया, कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ना तो किसी को प्रमोट किया गया, अपग्रेड किया गया, ना किसी को डिग्रेड किया गया। ठीक है, सो फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते क्यों हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है या फिर इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग and please like, share and subscribe my channel, and yes, click on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you, jai hind.